आज फर्स्ट टॉपिक जेड प्लस रेडी की तरफ से आप लोगों का 10 बोर्ड का एनवायरमेंट यानी पर्यावरण बताया जा रहा है। और पर्यावरण को मैं इससे पहले वाले लेक्चर में क्लास में आप लोगों को बताया था कि पर्यावरण यानी जो आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें घेरती हैं उसमें जैविक अजैविक सारी चीज़ें, इसका मतलब और साथ साथ उस आवरण से, उस बाहरी आवरण के आप भी हिस्से हों उसको पर्यावरण कहते हैं। हमेशा इसको ध्यान रखिए। और पर्यावरण बनता किससे है, आपको घेरे कौन है, पारितंत्र घेरे है, इकोसिस्टम घेरे है। और पारितंत्र होता किसका है, यह दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है बायोटिक, यह होता है बायोटिक, और दूसरा होता है अबायोटिक। देखिए बायो मीन्स लाइफ या जीव होता है, अबायो मतलब जहां लाइफ नहीं हो, ठीक। यानी यह जैविक, जैविक घटक क्या है इसके, और यह अजैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है, ध्यान रखिए। तो जैविक घटक में क्या आएगा, जीवन किस में पाया जाता है, जीवन किस में पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म प्लांट्स जी, ऑर्गेनिज्म्स। ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। और ध्यान रखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्लांट्स और एनिमल्स में ही आते हैं, बात समझ रहे हैं। जैसे एल्गा आप जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिवीजन कितने भाग में किया जाता है, फाइव। पहला वायरस, जैसे आज कोरोना चल रहा है, कोरोना क्या है, वायरस। दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा फंजाई, पांचवा एल्गा, ठीक। तो जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एल्गा, एल्गा किस कैटेगरी में आता है, आपका प्लांट में आता है। एल्गा किस में आता है, प्लांट में आता है। वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट किंगडम में आता है वह एल्गा है, शैवाल, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, शैवाल, एल्गा, यह शैवाल होता है, ठीक है। यह प्लांट किंगडम में आता है, ध्यान रखिएगा। और वहीं पर साइनोबैक्टीरिया, जो ब्लू साइनो, साइनोबैक्टीरिया, यह आपका एनिमल किंगडम का, यानी यहां पर जैविक घटक में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, ध्यान रखिएगा, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। और प्लांट्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो शैवाल को आप कर सकते हैं, और एनिमल्स में कर सकते हैं साइनो बैक्टीरिया, या फिर और जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरस है, ठीक है, ये सब एनिमल किंगडम में आ जाएंगे। प्रोटोजोआ हो गया आपका, फंजाई, फंजाई क्या है कि दोनों दोनों सेक्शन से बिलोंग करता है, ठीक है ना। फंजाई डेफिनेट उसके से नजदीक है, प्लांट से, प्लांट किंगडम के नजदीक है। और अजैविक में, अजैविक में आप लोगों को बताया जाए, जैसे आप लोग सुने हैं भाई पारितंत्र है जीवन का, पारितंत्र किसका है, जीवन का, लाइफ का। और लाइफ को बनाने में आप लोग अक्सर अपने पूर्वजों द्वारा कही हुई बातों को भारतीय संस्कृति में सुनते चले आ रहे हैं कि क्षिति जल पावक, क्या बोला जाता है, क्षिति जल पावक गगन, गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। यानी यह पांच तत्व क्षिति, यह किसको बोला जाए, बोला गया है क्षिति, क्षिति जल, ठीक। क्षिति किसकी मिस होता है, यह सॉयल होती है, मिट्टी होती है, ठीक है। और जल, जल क्या है, वाटर हो गया। पावर क्या हो गया, टेम्परेचर या फायर हो गई, ध्यान में रखिएगा, टेम्परेचर या फायर हो गई, ठीक। और गगन क्या आ गया, या आपका स्पेस, जो भी खाली जगह मिलती है, स्पेस या स्काई की बात करते हैं, क्योंकि स्पेस में ही कोई भी चीज का वह अस्तित्व हो सकता है। और समीर क्या है, यहाँ पर एयर, ईटीसी। अब देख रहे हैं अब आईटी कंपोनेंट में क्षिति जल पावक गगन समीर, ये सब सारी चीजें, इत्यादि सारी चीजें यह इको सिस्टम बनाती हैं। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जीव चाहे कोई भी हो, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, लेकिन अगर इनकी अनुपस्थिति रहती है तो क्या इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, धरती पर जीवन संभव है। अगर आपको कहा जाए कि नहीं ऑक्सीजन आपको नहीं लेना है, ऑक्सीजन क्या भाई, अबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है, ऑक्सीजन नहीं लेना तो आप जिंदा रह सकते हैं, पानी न दिया जाए जिंदा रह सकते हैं, नहीं, नियरली इम्पॉसिबिलिटी टू सर्वाइव ऑन दिस प्लेनेट, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण जो आपके चारों तरफ, जिसकी आप खुद हिस्से हैं, आप खुद हिस्से हैं, उसको जो भी तंत्र
बाहर का जो भी तंत्र घेरता है वह पारितंत्र होता है। पारितंत्र में दो तरह की चीजें आती हैं, बायोटिक अबायोटिक और बायोटिक अबायोटिक एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। क्या होते हैं वो पूरक, इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है। जैसे पेड़ पौधों ने ऑक्सीजन पैदा किया, पेड़ पौधों ने क्या किया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, और जीव क्या किया, जीव जब एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम, फिर ऑक्सीजन की फिर उसी को जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज ध्यान रखें, दोनों एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे के लिए बने हैं, वजूद को मेंटेन करने के लिए, यानी सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए। अब इसमें सबसे बड़ी चीज आपको ये चीज आपको देखना है कि प्लांट्स और एनिमल किंगडम में सबसे पहले आप लोगों को प्लांट्स देखना है, इसलिए कि अगर पर्यावरण को समझना चाहते हैं तो दो चीजों पर, क्लास बच्चे जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, दो चीजों पर सबसे पहले आधारशिला खड़ा करेगा पर्यावरण की। कौन दो चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, बिना इसके पर्यावरण को समझने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखा करिए, इससे चूका मत करिए। वो कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे पहली चीज जानिए, सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बाकी सब के लिए भी, सौरमंडल में बाकी सब के लिए भी, बट स्पेशली अपना जो ये लाइफ का प्लेनेट है, जीवन का प्लेनेट धरती ग्रह, इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी अर्थ पर जितनी भी एनर्जीज पाई जाती हैं वन आर अदर वे, चाहे वो बायो एनर्जी हो, बायो एनर्जी इन द सेंस जो आप बोल सकते हैं जो जीवन को बनाया, प्लांट्स और एनिमल्स को बनाया, यह जीवन भी जिस ऊर्जा से मिला है वह ऊर्जा कहाँ से आती है, सन देता है, हमेशा ध्यान में रखिए। इसीलिए आप देखते हैं हिंदू धर्म में जो है सन की उपासना करते हैं, सूर्य की सूर्य पूजा करते हैं, कि सूर्य अगर नहीं होता तो जीवन नहीं होता। तो सूर्य की पूजा करना, सूर्य की प्रति आपका जो व्यवहार है, मतलब उपासना करना, वो चीज ज्यादा श्रेयस्कर है बाकी की तरह तरह के देवी देवता और धर्म मजहब की बात करना, ठीक है। तो सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और यह किसके फॉर्म में एनर्जी होती है, फोटॉन्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में। और ये क्या होता है, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स बनाते हैं, यह पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी पार्टिकल्स, ठीक है। देखिए, और इसी सन से देखिए, इस पर जैसे देखिए हमने आपको बताया सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर सन नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती, अब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो प्लांट्स कैसे सरवाइव करते अर्थ पर, और प्लांट्स नहीं होते तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती। जो आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ध्यान रखिएगा, या टाइडल एनर्जी या जियो थर्मल एनर्जी, जितनी भी टाइल या केमिकल एनर्जी, जितनी भी टाइल्स की एनर्जी है, वन आर अदर फॉर्म, एक फॉर्म एक रूप से या दूसरे रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वह डेरिवेशन है किसका, सोलर एनर्जी का, सौर ऊर्जा का। तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट पर्यावरण पढ़ते समय कि सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे अर्थ प्लैनेट के लिए। और दूसरा चीजें आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहली प्रोसेस जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, क्योंकि यह पहली प्रोसेस है जो कि जीवन की आधारशिला को तय करती है। क्यों, ऊर्जा को सन ने दे दिया, अब उस ऊर्जा को सबसे पहले प्लांट यूटिलाइज करते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना खाना भी भरते हैं, यानी अपना पेट भी भरते हैं, और साथ साथ बाकी अदर ऑर्गेनिज्म के लिए खाना को प्रोड्यूस भी करते हैं, देते भी हैं। इसीलिए प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर क्लास, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर क्लास। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, एक बता रहे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कैसे डिपेंड करेंगे, ये आपका हो गया, मान लीजिए रूट्स है, ये प्लांट की रूट्स है और यह इसकी लीफ है, ठीक, यह इसकी लीफ है, लीफ में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, यह करता है सन सनलाइट को ट्रैप करता है। सनलाइट को ट्रैप करने का मतलब यह है कि वह सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा को ट्रैप करता है। और ये हुआ आपका सन हो गया। ध्यान रखिएगा इसमें यह खाका आपके दिमाग में विजन कॉन्सेप्ट का बना रहना चाहिए कि ये यहाँ पर आया। और वाटर मिनरल्स रूट सप्लाई कर देती हैं, वाटर एंड मिनरल्स रूट सप्लाई करती हैं। और यह जाइलम द्वारा यानी जाइलम जो टिश्यू होती है इसके द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और CO2 यह लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। और वाटर मिनरल कहां से, जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और यहां पर सोलर एनर्जी को यह ट्रैप करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए CO2 यहां से वातावरण से और H2O जमीन से यह ले करके बना देता है C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है, ठीक। तो यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज पर्यावरण की बात की जा रही है, एनवायरमेंट की सबसे बड़ा चैलेंज, पिछले क्लास में मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए है कि पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। ध्यान रखिएगा पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। जब ये ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो यह ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है आपको सांस लेने के लिए, यह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, ठीक। तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है। अब प्लस आप लोगों के जैसे ऑर्गेनिज्म है उनके रेस्पिरेशन प्रोसेस द्वारा इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वह एटमॉस्फेयर में जा रही है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। और भविष्य में जो है ये भी होता है कि देयर मे बी डिल्यूज, महाप्रलय हो सकती है कि पूरा धरती महासागर का पानी ऊपर आ जाए और पूरी धरती जलमग्न हो जाए, जीवन समाप्त हो जाए। तो सारी चीजों का जड़ सिर्फ जो है यह जो नेचुरल बैलेंस है इको सिस्टम का, इसका बिगड़ना है। तो इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और बाकी जब ये ऑक्सीजन गैस पैदा हो जाती है तो इसके मेटाफोर्स होते हैं, इससे CO2 मतलब बाहर से CO2 फिर अंदर से O2 एटमॉस्फेयर में जाती है और इसी ऑक्सीजन को रिस्पायर करके हमें ब्रीद करके आप सर्वाइव करते हैं इस प्लेनेट पर, ठीक है। देखिए ट्रॉफिक लेवल्स बांटे जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स में वो करने के लिए सबसे पहले नीचे, क्योंकि जीवन की शुरुआत किससे होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ प्लांट से होती है। हमेशा ध्यान में रखिएगा सन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन, प्लांट्स, वो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल वो करते हैं क्योंकि जीवन की जो दास्तान होती है वही शुरू करते हैं। तो ये आपका हो गया प्लांट्स, पेड़ पौधे, और इनको चूंकि सब लोगों को ये भोजन देते हैं इसलिए इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर क्लास, ठीक। अब इन प्रोड्यूसर प्लांट से जो भोजन लेते हैं ये हो जाते हैं आपके कंज्यूमर्स, ठीक, ये हो जाते हैं कंज्यूमर्स। यानी इसमें आपका आ जाता है टोटल एनिमल किंगडम आता है, टोटल एनिमल किंगडम यानी पूरे। बट इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा और साइनोबैक्टीरिया यह जाते हैं आपका प्रोड्यूसर क्लास में जाते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट, टेंथ वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इन दोनों के अंदर क्लोरोफिल होता है। ये देखिए यहां पर हम देख रहे हैं क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपने खुद करके खुद भोजन बना लेते हैं या किसी के मोहताज, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के मोहताज नहीं होते। तो प्लांट्स में ये आ जाएंगे, कंज्यूमर में टोटल एनिमल किंगडम आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों से जो अपना जो है सर्वाइवल करता है वह होता है डिकम्पोजर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं डिकम्पोजर्स। यानी डिकम्पोजर्स में कौन आते हैं, जैसे जो प्लांट्स और एनिमल्स, ध्यान रखिएगा जो प्लांट्स और एनिमल्स डाई आउट कर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी को,
उनकी डेड बॉडी को डीके करने का यानी उसको सड़ाने का और पर्यावरण से साफ करने का, जिसको इसीलिए इनको स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं कि यह साफ करने का कार्य कौन करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं। और इसमें दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे लीडिंग रोल अदा करते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई। यह डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, जिसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रॉफिक लेवल जो हमारा है मेनली सामान्य तौर पे हम प्लांट्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स तीन में कर सकते हैं, और बाकी कंज्यूमर्स की भी कई लेवल होते हैं। जैसे कंज्यूमर किस तरह का है आपको हम दिखा रहे हैं, कंज्यूमर में अगर आप जाएंगे तो कंज्यूमर किस तरह, सबसे पहले प्रोड्यूसर प्लांट्स किंगडम होते हैं, ठीक, सबसे पहले प्रोड्यूसर क्लास होता है, ठीक, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, यह उत्पादक यानी प्लांट किंगडम, ठीक, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना भोजन बना सके। और सॉरी, फिर और बाकी अगर ऑर्गेनिज्म को फूड सप्लाई कर सके वह प्रोड्यूसर क्लास है। इसके बाद आता है, सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? उपभोक्ता। जैसे किसी घर का गार्जियन पैसा कमाता है वह प्रोड्यूसर हुआ, बाकी घर के लोग कंज्यूमर हैं, जो लोग खाना खाते हैं उसकी कमाई खाते हैं वो कंज्यूमर हैं। तो यह जो धरती एक घर है, यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट किंगडम है, और जो उसके घर वाले कौन है? कंज्यूमर है। तो सबसे पहले डायरेक्ट जो प्लांट को यूज करता है, कंज्यूम करता है, तो उसको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो से जो भोजन प्राप्त करता है वह सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर से जो भोजन हो पाता है यह हो जाएगा आपका टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएगा, यह हो जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर। यह किस चीज का लेवल दिखाया जा रहा है आपको? फूड का। किसका दिखाया जा रहा है? हाँ, फूड प्रोडक्ट, क्योंकि भोजन ही, भोजन से ही अस्तित्व होता है, तो यह फूड का टर्शियरी कंज्यूमर दिखाया जा रहा है। इसमें इसमें ध्यान दीजिए, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि यह प्लांट्स यहाँ पर कर दीजिए, प्लांट्स में ग्रास कर दीजिए, जो है घास है जैसे, ठीक, ग्रास है, क्लियर। अब ग्रास को पता चला, ग्रास को कौन खाया? गोट खाई, ठीक, बकरी खाई। मान लीजिए बकरी को किसने खाया? जो है मान लीजिए डॉगी खा गया, ठीक, फिर डॉगी को कौन खा गया? ह्यूमन बीइंग खा गया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से बड़ा जानते हैं कंज्यूमर कोई नहीं है। यह दुनिया में सबको, जैसे पिग आप जानते हैं, पिग, पिग जो है दुनिया का सबका गंदा, दुनिया में सबका गंदा, हर तरह का गंदा सफा चट कर जाती है, और ह्यूमन बीइंग उसको भी सफा चट कर जाता है, वो कंज्यूमर, ठीक है। पर अब देखिए, प्रोड्यूसर में प्लांट आ गए, जो डायरेक्ट प्लांट को खाया वो बकरी थी, बकरी को आदमी का ध्यान नहीं गया, मालिक का ध्यान नहीं गया, कुत्ता खा गया, वह सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और कुत्ता को कहीं दाएं बाएं इंसान पकड़ लिया, भूखा रहा, इंसान खा गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका टर्शियरी कंज्यूमर में। देखिए नेक्स्ट जो टर्म्स हैं आपके, फूड चेन और फूड वेव है, यह है आपकी खाद्य श्रृंखला है, यह खाद्य श्रृंखला और यह खाद्य जाल है। खाद्य श्रृंखला है क्या? जो ट्रॉफिक लेवल आपको दिखा जाता है ऑर्गेनिज्म का, यह इसके ऊपर डिपेंड, ये इसके ऊपर डिपेंड, इसके ऊपर डिपेंड, किसके लिए? भोजन के लिए, सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए जो डिपेंडेंसी होती है वह एक चेन द्वारा, एक श्रृंखला द्वारा शो किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम बताएं, ये इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स को कौन खाया? फ्रॉग खाया। फ्रॉग को कौन खाया? स्नेक खाया। स्नेक को कौन खाया? ईगल खाया। ध्यान दीजिएगा, तो जो फूड डिपेंडेंसी है वह एक चेन के द्वारा, यह इससे जुड़ा है, यह इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको डिफाइन करेंगे जब भी, मान लीजिए 10th क्लास बच्चे आप लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको आए शो करने के लिए कि व्हाट इज फूड चेन, तो सबसे पहले यह तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा व्हाट इज फूड चेन। तो
बायोलॉजिकल चेन, यहां पर आप आंसर करेंगे द बायोलॉजिकल चेन। बायोलॉजिकल चेन यानी जैविक वह श्रृंखला दैट शोज डिपेंडेंसी, फूड डिपेंडेंसी यानी फूड एंड सर्वाइवल। यहां पर ध्यान रखिएगा, एक टर्म और जोड़ दीजिएगा, भोजन और अस्तित्व के लिए। ठीक, बायोलॉजिकल चेन यानी जैविक श्रृंखला जो दिखाती प्रदर्शित करती है कि भोजन और वजूद की डिपेंडेंसी अपॉन ओवर वन अनदर यानी वह एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी निर्भरता दिखाता है। ठीक है, यह हो गया आपका ओवर वन अनदर इन वन डायरेक्शन। ये स्पेस का डायरेक्शन नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अभी नहीं कि साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये सब डायरेक्शन नहीं है। ये डायरेक्शन किसका है, डिपेंडेंसी का है। कौन किसके ऊपर डिपेंड होगा, किस दिशा में जाएगा, बकरी खाने जाएगा या पत्ता खाने जाएगा, बस समझ में। यह डिपेंडेंसी या डायरेक्शन उसका है। तो खाद्य श्रृंखला वह जैविक श्रृंखला है जो यह प्रदर्शित करती है किसका, भोजन और वजूद की निर्भरता को एक दूसरे आदरण के ऊपर प्रदर्शित करती है जो कि सिंगल डायरेक्शन में हो, एक चेन इसकी बनती हो। जैसे आपको अभी हमने दिखाया कि कीट पतंगों को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक खाया, स्नेक को ईगल खाया, तो सब एक दूसरे की डिपेंडेंसी किस पर है, फूड और सर्वाइवल पर है। बट यहीं पर अगर यही चेन दो या दो से ज्यादा, अब देखिए यहीं पर फूड वेब क्या हो जाता है। मान लीजिए जैसे आपने दिखाया कि ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, इंसेक्ट्स ने खाया। ठीक, इंसेक्ट्स को किसने खाया, फ्रॉग खाया। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक खाया। स्नेक को किसने खाया, ईगल खा गया। ठीक, अब देख रहे हैं यह एक सिंगल डायरेक्शन में यह डिपेंडेंसी किसकी, भोजन और वजूद की डिपेंडेंसी दे रहा है, तो यह आपका फूड चेन होगा। लेकिन फिर पता चला फ्रॉग को कौन खा रहा है, फ्रॉग को ह्यूमन बीइंग भी खा रहा है। ठीक, ह्यूमन बीइंग खा रहा है। और आप देख रहे हैं चाइना में कीड़े जितने टिड्डे हैं सब ग्रास ऊपर ऊपर सब खाते हैं, यानी इंसेक्ट को भी ह्यूमन बीइंग खा रहा है। क्लियर है। और फिर पता चला जो है कि अब दूसरी चीजों को ले लीजिए, फिर ये ग्रास है, ग्रास को बकरी खा रही है, गोट खा रही है। अब देखिए दूसरी फूड चेन यहाँ पर छोटी सी आ गई, पता चला गोट को भी ह्यूमन बीइंग खा जा रहा है, बात समझ रहे हैं, गोट को भी ह्यूमन बीइंग खा रहा है। अब घास है, घास को पिग खा रही है, सुअर खा रही है। ठीक है, तो पता चला पिग को भी ह्यूमन बीइंग या घर में दूसरी अलग सी फूड चेन तैयार हुई। यानी दो या दो से ज्यादा फूड चेन, यानी फूड वेब क्या कहेंगे, 2R2+ फूड चेन्स। ठीक, दो या दो से ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं, यानी मिनिमम दो डायरेक्शन होना चाहिए, नहीं तो इससे ज्यादा, तो दो या दो से, अब देखिए दो या दो से ज्यादा, ये तो क्यों ली गई थी, लेकिन पता चला इसमें से एक चेन ये भी आ गई, फिर एक चेन 1, 2, 3 ये भी आ गई, फिर एक चेन 1, 2, 3 फिर ये आ गया। अब देखिए दो या दो से ज्यादा फूड चेन जो थी इसमें शो कर दी गई, यानी दो या दो से ज्यादा फूड चेन इंटरवीविंग एक दूसरे से क्या है, वो बिल्कुल बधी भी हैं, एक दूसरे से बधी भी हैं। बुद्धि उनकी किसने बांधा है, कुदरत ने बांधा है, नेचर ने बांधा है। इंटरव्यूमेन विद ईच अदर, एक दूसरे से वो क्या है, बधे भी हैं। ठीक है, इन मल्टी डायरेक्शन, इन और ये भी डायरेक्शन किसका है, फूड और वजूद का है। ठीक है, कई दिशाओं में दो या दो से ज्यादा फूड चेन इंटरवेल होती है, तो इस सिस्टम को फूड वेव कहते हैं। ठीक है, तो अब तक का आज एनवायरमेंट में इतना ही, अब इससे आगे आप लोगों को बताया जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसको आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों का नॉलेज एक्सटेंड करेगा। और जहाँ पर कोई भी चीज़ की दिक्कत होती है तो आप लोगों को उस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी ताकि आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इट्स ओके, थैंक यू।